हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज टॉपिक है भीमसेना। जैसा आप सब जानते हैं कि अभी सहारनपुर में दंगा हुआ था, उसमें भीमसेना नामक संगठन का बहुत बड़ा हाथ रहा है और वहाँ पर नारा दिया गया था कि दलित और मुस्लिम एक हैं। अच्छी बात है। और ये दलित सेना के जो लोग हैं वो स्वर्ण जाति के बेडरूम में घुसना चाहते हैं, तो मेरा उन जो संगठन है जो अपने आप को दलित और मुस्लिम का सर्वेसर्वा बता रही है भीम सेना, तो कृपया करके पहले तो अपने अपने बेडरूम में ये एक दूसरे को घुसाएं, अपने बच्चों की शादी एक दूसरे के यहाँ करें और उदाहरण प्रस्तुत कर दें। साथ में भीम सेना जो दलित समाज है उसमें भी उच्च जाति और नीची जातियाँ हैं, तो दलित समाज के अंदर जो ऊंची जातियां हैं वो अपनी नीची जातियों में शादी करें अपनी बेटियों की। हिम्मत है आप में करने की? भीम सेना के अंदर ये हिम्मत है कि वो ऐसा करवा सके? क्या वह बोर्डरूम में अपनी से नीची जाति के लोगों को घुसाएगी? क्या भीम सेना के जो सर्वे सर्वा हैं चंद्रशेखर, वो अपनी बहन की शादी किसी अपने से नीची जाति के लड़के से कराएंगे? भीम सेना को स्वर्ण जाति का विरोध छोड़ देना चाहिए, नहीं तो इससे जो दलित सेना है, जो दलित समाज है, उसका भला नहीं होगा, बल्कि और अधिक समस्याओं में घिर जाएंगे और हो सकता है फिर किसी स्वर्ण जाति का दिमाग घूमे इस चंद्रशेखर की तरह। फिर या तो कोई अक्षत्रिय सेना होगी या स्वर्ण सेना होगी या परशुराम सेना होगी, और वो शायद बल में भी और धन में भी ज़्यादा सक्षम होगी। ये चेतावनी है, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये केवल न्यूटन का सिद्धांत ही नहीं है, ये प्रकृति का नियम भी है, ठीक है ना? ये न्यूटन थ्योरी नहीं है, प्रकृति का नियम भी है। तो मेरा भीम सेना से ये कहना है कि पहले तो वो अपनी जो दलित समाज के अंदर जो जातियां हैं, जो उच्च जाति है दलित समाज के अंदर, वो नीची की जाति में अपने बच्चियों की शादियाँ करें और उदाहरण प्रस्तुत कर दें और तब बोलें, ठीक है? दूसरे, आप दलित जो है समाज को प्रॉब्लम में ले जा रहे हैं स्वर्ण जाति का विरोध करके। आप स्वर्ण जाति का विरोध ना करके आप सरकार से मांगना है तो मांगिए, दलित समाज के निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल मांगिए, उनके लिए स्वास्थ्य मांगिए, उनके लिए दवाइयाँ मांगिए, उनके लिए अस्पताल मांगिए, एजुकेशन के लिए स्कूल मांगिए, यूनिवर्सिटी मांगिए, कॉलेज मांगिए, ताकि वो उठ सकें अपने समाज में और कुछ करके दिखा सकें अच्छा इस देश के लिए। और दलित सेना को एक और, जो ये भीम सेना है सॉरी, इसको एक घोषणा और करनी चाहिए कि दलित समाज में जो उच्च आय वर्ग है वह आरक्षण का लाभ छोड़े। वह आरक्षण केवल जो दलित समाज के अंदर जो निम्न आय वर्ग है उसके लिए होना चाहिए, ताकि वह भी ऊपर उठ सके। क्या भीमसेना ऐसा कर पाएगी? क्या वह प्रधानमंत्री से कह पाएगी कि जो दलित समाज के अंदर जो उच्च आय वर्ग है उसका आरक्षण समाप्त किया जाए? मैं SC ST का आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी समाज के अंदर जो उच्च आय वर्ग हैं उनका आरक्षण समाप्त करने की बात कह रहा हूं, चाहे वो एडमिशन में हो, चाहे वो जॉब में हो। क्योंकि जो उस जाति का जो उच्च आय वर्ग है वही यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज में भी, आपका जॉब में भी, वही उसको हड़प रहा है। निम्न आय वर्ग तो बेचारा वहीं सड़ रहा है इस दलित समाज का।
क्योंकि उसको तो वो तो बेचारा अपने बच्चों को एजुकेशन तक की फीस नहीं भर सकता। तो उसके लिए सरकार से मांगे ये भीमसेना कि उसको जो निम्न आय वर्ग है उसके लिए आरक्षण चाहिए, उच्च आय वर्ग के लिए आरक्षण नहीं चाहिए SC ST में। रिजर्वेशन कैटेगरी भले ही यही रहे जो अभी है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसमें उच्च आय वर्ग के लिए आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए ताकि जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है वो अपने बच्चों का एडमिशन करा सके। क्योंकि उच्च आय वर्ग जो उस समाज के अंदर है वो अपने बच्चों को प्राइवेट में या एजुकेशन दे सकता है, वह प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चों को दिखा सकता है, इलाज करा सकता है, परंतु वो निम्न वर्ग कहाँ जाएगा, वह निम्न आय का उस समाज के अंदर का व्यक्ति कहाँ जाएगा, क्योंकि वो तो सक्षम है ही नहीं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में या उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका स्वास्थ्य का लुकआफ्टर करने के लिए। क्या भीमसेना इस चीज़ का प्रधानमंत्री के सामने आह्वान करेगी? क्या सरकार के सामने इस चीज़ का आह्वान करेगी? अपने समाज के अंदर इस चीज़ का आह्वान करेगी कि उच्च आय वर्ग उस समाज के अंदर जो है वो आरक्षण का लाभ छोड़े, या दलितों के नाम पर उस आरक्षण का लाभ यह उच्च आय वर्ग हड़पता रहेगा? आप अगर का उद्देश्य ये है कि स्वर्ण समाज से टक्कर लेना है तो सॉरी भीमसेना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप बहुत गलत राह पर जा रहे हैं। क्योंकि कहीं किसी दलित को कभी कुछ पैसे की आवश्यकता हुई और वो किसी स्वर्ण के पास में गया अपने बच्चे की हारी बीमारी या एजुकेशन के लिए पैसा मांगने के लिए, तो वो स्वर्ण जाति का बंदा जो है उसको फट से मना कर देगा। वो कहेगा भाई मैं क्यों दूँ, मैं क्यों अपने बच्चों को जो है उस स्थिति में लेके जाऊं कि जहां तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों को मारें और तुम्हारे बच्चे मेरे बेडरूम में घुसें। तो पहले अपने उच्च जाति के जो उच्च इस कैटेगरी में दलित कैटेगरी में जो उच्च जातियां हैं वो अपने बेडरूम में पहले निम्न जाति के बच्चों को घुसाएं, नंबर एक। नंबर दो, उच्च आय वर्ग दलित समाज का आरक्षण छोड़े। नंबर तीन, अगर आप स्वर्ण जाति का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो पूर्व में वो हुआ वो हो गया, अब उसको वापस नहीं लौटाया जा सकता, अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो ये आप अपने लिए समस्या खड़े कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। मेरा उन भाइयों से निवेदन है जो दलित जो भाई हैं जो इस भीमसेना के साथ लगे हुए हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित समाज के निम्न आय वर्ग का राजनीतिक शिकार किया जा रहा हो इस भीमसेना के नाम पर। चूंकि नाम तो श्री भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रख लिया, परंतु उनका जो विचार है एक भी भीमसेना के अंदर नहीं है। ठीक है, और यह मत भूलिए कि भीमराव को अंबेडकर को जो एजुकेशन का उनका खर्चा था उठाने वाला भी एक स्वर्ण था, और शायद अब कोई स्वर्ण ऐसी हिमाकत नहीं करेगा इन आपके इस तरह के उग्र आंदोलन को देखते हुए कि वह किसी दलित के बच्चे को उसके अंदर प्रतिभा देखने के बावजूद भी इस प्रकार की सहायता कर सके जिस प्रकार की सहायता श्री भीमराव अंबेडकर जी की एक स्वर्ण जाति के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। ये आपको सोचना है, आप क्या चाहते हैं? आप स्वर्ण जाति से टकराव चाहते हैं या उनसे सहयोग चाहते हैं? इट्स डिपेंड ऑन यू। बाय बाय एंड सी यू।